उन्हीं सूत्रीय मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने चेतना तिराहे से मशाल जुलूस निकालकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। मशाल जुलूस का नेतृत्व करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे ने बताया कि शिक्षकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए और सभी शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इसलिए कोरोना महामारी के नाम पर महंगाई भत्ते की जो कटौती की जा रही है उनको किश्तों में वापस किया जाए और महंगाई भत्तों को पूर्व की भांति रखा जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को शिक्षकों ने तत्काल पूरा करने की मांग की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन वापस दो, वापस दो, वापस दो, आवाज दो, जबरदस्त माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जबरदस्त माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक पास है जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारा नारा है जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम है डॉक्टर दिग्विजयनाथ पांडे, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। ये प्रदेश नेतृत्व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो है ये आह्वान किया गया है कि 19 सूत्रीय मांग पत्र है हम लोगों का कि जो अज्ञानता इस सरकार के अंदर व्याप्त है उस अज्ञानता को इस मशाल रूपी ज्ञान से जो है दूर भगा करके उनके जो बंद द्वार है ज्ञान के उसको खोला जाएगा। और जो मांग पत्र पुराने पहले से चली आ रही है कि सदनों में बैठे हुए जो माननीय हैं वो पुरानी पेंशन से आच्छादित किए गए हैं, अगर वो एक दिन सदस्य विधान परिषद या विधानसभा रह लेते हैं तो उनको पुरानी पेंशन का अधिकार है, लेकिन शिक्षक और कर्मचारी जो 62 साल तक अपनी सेवाएं देता है उनके लिए वो पुरानी पेंशन के योग्य नहीं मान रहे हैं, उनको NPS नामक एक छलावा है उससे आच्छादित कर दिए। इसी को लेकर हमारा मशाल जुलूस जा रहा है 19 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर के, ये शास्त्री चौक पे समाप्त होगा और आदरणीय जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन के द्वारा समाप्त किया जाएगा।